नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिफेंस इनसाइट के फ्रेश एपिसोड में। आज हम बात करेंगे 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके स्टैटिक क्वेश्चंस की, जो आपको डिफेंस एग्जाम्स में काफी हेल्पफुल होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो आज के सेशन का सबसे पहला क्वेश्चन है, केमिकल वेपन्स पर प्रतिबंध लगाने वाली ऑर्गेनाइजेशन किस देश में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, द हेग, जो कि नीदरलैंड में स्थित है। आपको बता दें कि केमिकल वेपन्स पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, जो केमिकल वेपन्स के टेस्ट को भी इम्प्लीमेंट कराती है। इस ऑर्गेनाइजेशन को 29 अप्रैल 1997 में लागू किया गया था। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, कोरबा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़। दोस्तों, कोरबा सुपर थर्मल पावर प्लांट भारतीय राज्य छत्तीसगढ़ में कोरबा जिले के जमनी पाली में स्थित है। ये पावर प्लांट नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में से एक है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, मूर्ति देवी अवार्ड किस फील्ड के लिए दिया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, लिटरेचर। आपको बता दें कि मूर्ति देवी अवार्ड भारत में एक एनुअली लिटरेरी अवार्ड है, जो भारतीय जननपीठ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा एक कार्य के लिए प्रस्तुत किया जाता है, जो इंडियन फिलोसॉफी और कल्चर पर जोर देता है। किस भारतीय शहर को इंडिया की हेल्थ कैपिटल के रूप में भी जाना जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चेन्नई। दोस्तों, चेन्नई में हेल्थ केयर को गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा चलाया जाता है। देश में आने वाले विदेश से लगभग 45% हेल्थ टूरिस्ट और 30-40% डोमेस्टिक हेल्थ टूरिस्ट चेन्नई में आते हैं, इसलिए चेन्नई को इंडिया की हेल्थ कैपिटल कहा जाता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, कर्नाटक। बेंगलोर कर्नाटक के पास बन्नेरघट्टा नेशनल पार्क 1970 में स्थापित किया गया था और 1974 में एक नेशनल पार्क के रूप में घोषित किया गया था। आपको बता दें कि 2002 में पार्क का एक हिस्सा बंजरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क बन गया। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स के डायरेक्टर कौन हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, सुरीना राजन। जी हाँ दोस्तों, सुरीना राजन ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स की हेड डायरेक्टर के रूप में काम कर रही हैं। आपको बता दें कि ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स का हेड ऑफिस न्यू दिल्ली में स्थित है। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल वेलफेयर किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, हरियाणा। दोस्तों, 16 जनवरी 1999 को आयोजित स्टैंडिंग फाइनेंस कमेटी के डिसीजन के अकॉर्डिंग सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में बल्लभगढ़ में एक राष्ट्रीय पशु कल्याण संस्थान स्थापित करने का निर्णय लिया गया था। विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, 2 अप्रैल। दोस्तों, विश्व आत्म केंद्रित जागरूकता दिवस हर साल 2 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त दिन है, जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों को दुनिया भर में आत्म केंद्रित स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उपाय करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। सैफई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम सैफई उत्तर प्रदेश भारत में अंतर्राष्ट्रीय मानक का एक क्रिकेट स्टेडियम है, जो कि इटावा जिले में स्थित है। ये स्टेडियम मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स कॉलेज परिसर में स्थित है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, एक्सपोर्ट क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, मुंबई। ECGC लिमिटेड मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड इंडियन गवर्नमेंट की होल्ली ओन्ड कंपनी है। ये इंडियन एक्सपोर्टर्स को एक्सपोर्ट क्रेडिट इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और इसे मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा कंट्रोल किया जाता है। भारत सरकार ने शुरू में जुलाई 1957 में एक्सपोर्ट रिस्क इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन की स्थापना की थी। महाराणा प्रताप सागर जलाशय किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। दोस्तों, महाराणा प्रताप सागर, जिसे पोंग जलाशय या पोंग डैम झील के नाम से भी जाना जाता है, 1975 में हिमाचल प्रदेश राज्य के कांगड़ी जिले के शिवालिक पहाड़ियों के वेटलैंड जोन में ब्यास नदी पर भारत का सबसे ऊंचा अर्थफिल्ड डैम बनाया गया था। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ,
चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, गुजरात। दोस्तों, चंपानेर पावागढ़ आर्कियोलॉजिकल पार्क एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भारत के गुजरात में पंचमहल जिले में स्थित है। ये ऐतिहासिक शहर चंपानेर के आसपास स्थित है, एक शहर जो गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा द्वारा बनाया गया था। विक्रमशिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, बिहार। विक्रमशिला गैंगटेक डॉल्फिन सेंचुरी भारत के बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है। ये सेंचुरी सुल्तानगंज से कहलगांव तक गंगा नदी का 50 किलोमीटर का लंबा इलाका है। ब्रेबोर्न स्टेडियम किस शहर में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मुंबई। दोस्तों, ब्रेबोर्न स्टेडियम मुंबई महाराष्ट्र में एक क्रिकेट ग्राउंड है और ये ग्राउंड क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया के पास है। अब चलते हैं अगले और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। कामेट पर्वत भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, उत्तराखंड। दोस्तों, नंदा देवी के बाद कैमेट उत्तराखंड के गढ़वाल रीजन का सेकंड हाईएस्ट माउंटेन है। ये उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित है। ये दो शिखर के साथ एक फ्लैट शिखर क्षेत्र द्वारा सबसे ऊपर एक विशाल पिरामिड जैसा दिखता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई भी सुझाव या सजेशन हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता सकते हैं।